बड़ा जो नंदी था, बड़ा नंदी उसका मुंह मस्जिद के तरफ था, मस्जिद के तरफ था बड़ा जो नंदी था पहले पुराना, उसका मुंह मस्जिद के तरफ, तभी हम समझ गए थे कि ये मस्जिद मस्जिद के अंदर में हमारी पिंड है करके विश्वेश्वर की मिली बोलते बहुत सारा है ने, ये ऐसा लगता कि ज्ञान व्यापी जो मस्जिद है उसके अंदर में हमारी पिंड है। लेकिन सबूतों को दरकिनार कर रहे हैं वो। नहीं 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 नहीं, सब मान लिया उन्होंने, एग्री कर लिया, नहीं तो होता नहीं चाहिए, उन्होंने सब कर लिया एग्री। मुझे ये बताइए यहाँ पर जब आप मंदिर गए, यहाँ पर काशी विश्वनाथ के मंदिर गए, महादेव के आपने दर्शन किए। मैं जब 17 साल पहले आया था, 17 साल पहले आया था, तो यानी पूरी गली गली का था, यानी दर्शन बोलूँ तो यानी 6 से 7-8 घंटा लगता था, कभी कभी 12-12 घंटा दर्शन होता था, और अभी दर्शन बोलूँ तो अभी यानी आधे घंटे के दर्शन हो गया अभी काशी विश्वनाथ के अंदर में। नहीं तो पहले इतनी गली गली की गली गली थी कि 4 गली से जाना पड़ता तब दर्शन होता था, यानी 8 घंटे देता था। एक चीज बताइए, आपने नंदी जी को देखा? हाँ, वो बड़ा जो नंदी था, बड़ा नंदी उसका मुंह मस्जिद के तरफ था, मस्जिद के तरफ था बड़ा जो नंदी था पहले पुराना, उसका मुंह मस्जिद के तरफ, तभी हम समझ गए थे कि ये मस्जिद मस्जिद के अंदर में हमारी पिंड है करके विश्वेश्वर की, और जो बाहर जो पिंड रखे है वो ऐसा लगा कि ऐसी दर्शन के लिए रखे हुए है, नहीं तो पूरा उसी टाइम 17 साल पहले में समझ गया था कि ये मस्जिद के अंदर में पिंड है करके, यानी वो जो नंदी की जो मुंह था बहुत बड़ा जो नंदी था पुराना, उसका मुंह मस्जिद के तरफ मस्जिद की दीवार की तरफ था उसका क्या। और अब तो बहुत सारे सबूत भी मिले हैं, बहुत सारी मूर्तियां भी अंदर से मिली हैं। अभी तो बहुत सारी मूर्तियां मिली बोलते बहुत सारा है ने, ये ऐसा लगता है कि ज्ञान व्यापी जो मस्जिद है उसके अंदर में हमारी पिंड है वहाँ पे। आपको भी ऐसा लगा देख के? हाँ, हम भी 17 साल पहले आए थे ना, तो छोटी छोटी गली थी, और जो मैंने हर पिंड का मुंह और नंदी के मुंह की तरफ होता है ना पिंड, ये पूछ के तरफ है, तो अपनी जो असली पिंड है। मुस्लिम पक्ष लगातार आपत्ति जता रहा है, वो कहता है हमारी तो ये मस्जिद ही है। नहीं नहीं नहीं, उनकी नहीं है, वो तो बिल्कुल सबूत दिख रहा है ना, उतना बड़ा जो नंदी है पुराना, आज से कम 1000 साल पहले पुराना जो नंदी है उसका मुंह तो उधर है ना मस्जिद के तरफ में। क्या तो इसका मतलब पिंड मस्जिद के अंदर में है, और ये जो पिंड जो बना है झगड़ा नहीं होना चाहिए करके पिंड इधर में जो, तो आपको लगता है भाईचारे से उनको छोड़ देना चाहिए? हाँ, बाहर चाहिए सर, छोड़ देना चाहिए बस उन्होंने भाईचारा। भाई ये बताइए, क्या भाईचारे से मुस्लिम पक्ष मानेगा? आपको उम्मीद है इस बात की? क्यों नहीं पड़ेगा? लेकिन सबूतों को दरकिनार कर रहे हैं वो। नहीं 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 नहीं, सब मान लिया उन्होंने, एग्री कर लिया, नहीं तो होता नहीं चाहिए, उन्होंने सब कर लिया एग्री। आगे मुस्लिम पक्ष ने तो बंद का आह्वान किया, और वो ये कह रहे हैं कि हम तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, राष्ट्रपति से मिलने जाएंगे, हमारी सारी मस्जिदों को मंदिर बना देते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये सब नौटंकी है, वो उन्होंने सब मान लिया एग्री कर लिया कि भी ये यहाँ पे भगवान था घर के, इनका भगवान का घर यहाँ जहाँ पे है तो वही तो होगा ना उसका मकान, मान लिया उन्होंने वो वैसा। ये तो मानना ही पड़ेगा कि अभी हिंदू राष्ट्र हो रहा है, उसके हिंदू राष्ट्र के तरफ अपनी प्रगति हो रही है। हर मोदी, हर मोदी। ये संतों की भूमि थी और संत ही रहेंगे। मोदी और क्या करेगा काजी, ये तो अभी ट्रेलर है, काशी और मथुरा बाकी है। ये डायलॉग एक बार फिर से क्या कहा? योगी और मोदी क्या करेगा काजी, ये तो अभी झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। मथुरा काशी बाकी है, अब हिंदू जागरूक हो गया है। ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि हर नंदी का मुंह जहाँ होता है वहाँ पिंड होती है, ये प्रमाण है हर मंदिर का। तो उसमें झगड़ा करने की कोई ये भाईचारा है, उन्होंने समझ लेना चाहिए। तो 30-32 साल बाद व्यास जी के तहखाने की पूजा शुरू हो गई है, वहाँ पर कई सारी मूर्तियों को रखा गया है, पूजा पाठ भी शुरू हो गई है। सब अच्छा है, बढ़िया है। अभी हम अयोध्या से वाराणसी आए हैं, चित्रकूट आए, चित्रकूट से यहाँ अभी वाराणसी आए, तो सब बहुत आनंद लग रहा है, बहुत पहले से बहुत अच्छा है। ऐसा लग रहा है कि स्वर्ग में आ गए, ऐसा लग रहा है। हाँ, स्वर्ग में आया ऐसा लग रहा है। सब मोदी ने बहुत अच्छा कर दिया हमारे लिए। और ये जो विवाद इतना चल रहा था, ये चाहते विवाद खत्म हो जाए, और खत्म हो जाए, और हमारे कहीं झगड़ा ना करे। देखिए, ये है सनातन, ये है हिंदू, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि कोई झगड़ा ना करे और शांति भाईचारे से ये मुद्दा सुलझना यहाँ पर चाहिए। आप लोगों ने मंदिर में दर्शन किए, कैसा लगा? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा आपको? आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद मिला। ये भारतीय दर्शन करके आपको देखा कि बहुत लंबा इंतजार अब उनका पूरा होने वाला है? हाँ, बहुत पूरा होने वाला है, और बहुत आनंद मिला दर्शन करके श्री भगवान का। हर भारतीय नागरिक के खुश है का सब कब मिलेंगे हम, राम भैया राम जी को कैसे मिलेंगे हम, काशी भैया दर्शन किए हैं, राम जी का ही पूरा दर्शन किया, बहुत आनंद हुआ।
अच्छा मेरे को एक बात और बताइए, टूर एंड ट्रेवल्स है, माउली टूर्स एंड ट्रेवल्स है, प्रशांत वैरागड़े, उनके उन्होंने सब बना के लाया, और लोनीकर साहब है हमारे, उनके साथ में सब आए हैं हम इकट्ठा। सभी लोग नागपुर से आए हैं? नागपुर से, नागपुर से। देखिए आस्था, आस्था का संगम यहाँ पर दिख रहा है, महाराष्ट्र से ये लोग यहाँ पर पहुंचे और यहाँ पर आस्था इनके चेहरों पर भी दिखाई दे रही है। अब मुझे जल्दी से आप एक बात और बता दीजिए कि ज्ञान वापी मामला आपको क्या लगता है कब तक सुलझ जाएगा? अगर मुस्लिम पक्ष नहीं मानते हैं तो फिर कितना लंबा चल? भाईचारे के साथ में उन्होंने छोड़ देने को ना, भाईचारे के साथ जो झगड़ा वगड़ा नहीं करने को देना, सब हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि जो हमारा जो निकल रहा है हमारे को देने को ना। वहाँ से तो विवादित बयान आने लगे हैं। नहीं नहीं वो तो कोई फायदा नहीं ना, जब निकल रहा है वहाँ पे सब कुछ यानी हो रहा है तो उसमें क्या, उनको देने में कौन तार जाए, उनको उन्होंने दे देने को ना उनका, जब हमारा पूरा ये निकल रहा, मूर्ति निकल रही, ये निकल रही, सब कुछ हो रहा है, और हमारे को तो नंदी इधर तो मंदिर भव्य बन जाएगा यहाँ पर, जिस पर अभी विवाद चला आ रहा है यहीं जहाँ आप दर्शन करने आए, तो उसके बाद फिर से आप सभी लोग एक साथ आएंगे क्या? बहुत जल्दी आएंगे, बहुत जल्दी आएंगे और आस्था के साथ आएंगे। जरूर आएंगे। चलिए एक बात फिर से बता दीजिए, कितनी आस्था कितना जोश है आप सब में एक बार? हर 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 मोदी, हर हर महादेव, हर हर मोदी, हर हर योगी, हर हर योगी, हर हर मोदी, हर हर योगी, हर हर योगी। ये देखिए एक और हाँ क्या, हर हर योगी मोदी, हर हर योगी, हर हर मोदी यहाँ पर कहा जा रहा है। हालांकि महादेव की बात यहाँ पर की जा रही है और सभी लोग ये कह रहे हैं कि जल्द से जल्द इस मुद्दे का समाधान होना चाहिए और जो सबूत मिले हैं मुस्लिम पक्ष को उस बात को समझना चाहिए। विजय सुजीत के साथ हिमांशु दीक्षित, टाइम्स नाउ, नव भारत, वाराणसी।